नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले में देवोत्थान के मौके पर शहर में शादी समारोह की धूम रही। कई सामाजिक संगठनों की ओर से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा कोटला रोड स्थित राधा कृष्ण गार्डन में सर्व समाज सामूहिक विवाह सामूहिक समारोह आयोजित किया गया। विवाह समारोह में 56 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। उन्हें घरेलू प्रयोग के सामान दिया, मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया गया। वर एवं कन्या पक्ष के लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर समिति के समाजसेवी कुशवाहा ने बताया कि खाटू श्याम सेवा समिति सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह सम्मेलन लगातार करता आ रहा है। समिति द्वारा देवठान फ्लोरा दौज बड़रिया नौमी इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में 4 बार सामूहिक विवाह सम्मेलन किया। आज 56 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सभी जोड़ों को दानदाताओं के सहयोग से उपहार स्वरूप सामान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि समिति इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यों को भी समय समय पर करती रहती है। इस दौरान राधेश्याम कुशवाहा, बंटू कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। तो देखते रहिए C20 न्यूज। आज बाबा खाटू श्याम सेवा समिति के माध्यम से देवस्थान के शुभ अवसर पर 56 वर और कन्याओं ने अपने जीवन की शुरुआत यहाँ से की है और सभी लोग बहुत आनंदित हैं। समिति के माध्यम से सभी को जो दहेज का सामान होता है वो उपलब्ध कराया है। अतिथियों के लिए पूर्ण भोजन की बहुत सुंदर व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ मनोरंजन का भी बहुत जो कार्यक्रम यहाँ निरंतर हो रहे हैं, लोग बहुत खुश और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो मेरा पूरा आशीर्वाद है इन लोगों को कि इनका जीवन बहुत खुशमय और मंगलमय हो। जी, इससे बहुत बड़ी रोक होती है। हम लोग एक बार में जब 56 और 60 शादियाँ कर रहे हैं, अगर यही 60 जगहों पर शादी की जाएगी तो निश्चित तौर पर बिजली का खर्चा होगा, टेंट का खर्चा होगा, भोजन का खर्चा होगा, इतनी तमाम सारे खर्चे इससे बचते हैं और समाज का लाभ होता है। केवल समाज का ही नहीं, इतने सारी चीजों में राष्ट्र का भी लाभ है। जी, समिति के द्वारा जो घरेलू उपयोगी वस्तुएं होती हैं वो समिति के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। कन्याओं के बाप रहे, एक तरफ आपके भाई छोटे भ्रातागिरी है, वो कितने कन्याओं के पिता बने हैं? उन्होंने भी 56 अभी शादियाँ की है, इससे पहले 50, 45, 40 शादियाँ वो निरंतर कर रहे हैं और लगातार वो भी कन्यादान ले रहे हैं। तो मेरा शुभ आशीर्वाद अपने भाई के लिए है और ये मानिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी इस विरासत को संभालने वाला परम आदरणीय शीतल सिंह कुशवाहा जी की ये बहन थी। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम वहाँ मैंने 18-20 साल काम करते हुए उसके बाद इतनी मेहनत के बाद में ये सब चीज़ें करना चालू की और मेरा भाई इस विरासत को संभाल रहा है। उसके साथ ही उनका बहुत तहे दिल से सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये कहीं ना कहीं उपाधि प्राप्त होगी। अगर वो भले मन से, सच्चे मन से अगर बेटियों का कन्यादान लेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मान प्राप्त होगा। एक तरफ आपके भाई, एक तरफ 6 कन्याओं के बाप बने हैं, आप कितनी कन्याओं के पिता बने हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, लगभग अभी तक बाबा खाटू श्याम सेवा समिति के माध्यम से हम लोग 251 लड़कियों की शादी कर चुके हैं और हमें लगभग 1 साल हुआ है। साल में हम 4 प्रोग्राम करते हैं। कौन सी समिति द्वारा किया जाता है? जी, ये बाबा खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा किया है। ऐसी गरीब कन्याओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी नगरवासियों से और यहाँ के जितने भी महानुभाव हैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा, जो गरीब हैं, जो दहेज का पैसा नहीं जुटा पाते हैं, तो ऐसी समितियाँ काफ़ी बनी हुई हैं जो सामूहिक विवाह कराती हैं। बाबा खाटू श्याम सेवा समितियाँ उन लोगों का स्वागत करती है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो हमारी समिति में आएँ। हम उन गरीबों बेटियों की शादी जिनके माँ बाप अगर नहीं हैं और रिश्तेदार उनका पालन पोषण करते हैं, तो हमारी बाबा खाटू श्याम समिति उनका निःशुल्क शादी पूरा खर्च हमारी समिति अपने ऊपर उठाएगी। आज बाबा खाटू श्याम सेवा समिति कितनी जोड़ों को संभाला गया है? जी, लगभग 56 जोड़ों का आज इस प्रांगण में बाबा खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा एक दूसरे के उसमें 56 जोड़े का किया गया।
हेलो दोस्तों, अगर आप अपने छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप कम खर्च में बड़े टीवी चैनल की तरह विज्ञापन बनाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमारी टीम 24 घंटे आपके सहयोग के लिए तैयार है।